अगला स्टेशन महाकरण। हावड़ा से चलकर कलकत्ता के ओर जाने वाला गंगा के नीचे से चलने वाला मेट्रो का मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें क्या क्या सुविधा देखने के लिए मिला, क्या क्या दिक्कत हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग कभी भी जाओ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यह है हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में ही है, एकदम साइड में ही है। ये देखिए हावड़ा का 11-12 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में है और ये साइड में आपका हावड़ा ब्रिज है, ये वाला हावड़ा स्टेशन है। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ वो ये काफ़ी काम का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता हूँ। अब बताते हैं हावड़ा से हम सियालदह के तरफ जाने वाले थे तो इसमें हमको दो बार मेट्रो चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहला हम हावड़ा में गया, ये हावड़ा के एकदम ऊपर में है, इसके नीचे 3 बार लिफ्ट के सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो फर्स्ट लिफ्ट के तरफ हम आ गए हैं तो फर्स्ट लिफ्ट में जाने का एक अच्छा ही एक एक्सपीरियंस था क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए हम पहली बार जा रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटेड था कि आगे क्या होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। आप लोग भी साथ में चलिए, देखिए बहुत मज़ा होगा। बीच में बहुत एक ऐसा चीज़ हुआ है, मेरे साथ कांड हो गया है, आप लोग देखिए पता चलेगा। और ये जो आप लोग मतलब यहाँ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए और फुल्ली एयर कंडीशन है, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था क्योंकि यहाँ बाहर इतना ज़्यादा गर्मी था और यहाँ नीचे जाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आराम लग रहा था। यहाँ यहीं एक बार नीचे उतरने के बाद आपको टिकट लेना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप लोग जाएंगे तो टिकट दो तरह से ले सकते हैं, एक ऑनलाइन भी ले सकते हैं और काउंटर भी है। तो हम काउंटर से लिया, जा कर के टिकट लिया, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था इसीलिए मैंने उस वीडियो को शूट नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है कि कोई फॉरेन देश में आ गए हैं, इतना ज़्यादा मतलब व्यवस्था इतना अच्छा है। यहाँ से टिकट मिलता है ऑनलाइन, आप लोग ले सकते हैं और काउंटर से हमने टिकट ले लिया। ले लेने के बाद अभी फिर दूसरा लिफ्ट से नीचे जा रहा हूँ, बहुत ही नीचे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं गंगा के नीचे से जब ट्रेन जा रहा है तो कितना नीचे होगा। सेकेंड लिफ्ट में जाने के बाद अभी उतना भीड़ नहीं था, मैं जिस दिन गया था भीड़ बहुत कम था इसीलिए वीडियो बनाने में भी अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, स्टेशन से ट्रेन आने के बाद उधर से बहुत आदमी आ रहा था, देखिए साइड में लिफ्ट है, ये सब कुछ वहाँ का रूल्स लिखा हुआ है। ये देखिए हावड़ा, हम हावड़ा स्टेशन में आ गए हैं, अभी यहाँ पर ट्रेन आएगा, मेट्रो आएगा, सॉरी अब हम आ चुके हैं। ये देखिए एकदम पूरा सिस्टमेटिक है, एकदम पूरा लॉकेबल डोर है, जहाँ पे खुलेगा आप वहाँ से चढ़ जाओ फिर आगे चलना पड़ेगा। और ये देखिए वहाँ टिकट है जिसमें एक अच्छा सा इंडियन फ्लैग का स्टिकर भी लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी का महोत्सव लिखा भी है, काफ़ी सुंदर है, 25 रुपये का टिकट है ये। ये देखिए मेट्रो आ गया है, अभी देखिए कैसे डोर खुल जाएगा एकदम, और भीड़ काफ़ी रहता है क्योंकि हावड़ा है, यहाँ आधा से ज़्यादा ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ सॉरी इसके आगे एक और स्टॉप है, महाकरण से चालू हुआ है सेकेंड स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मतलब ट्रेन खाली खाली है, आगे जाकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था। देखिए अभी डोर खुल गया है, देखिए हम अंदर जा रहे हैं, हम लोग कुछ लोग अंदर निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, जैसा ट्रेन में होता है वैसा ही है मेट्रो में। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी 2 मिनट के बाद ट्रेन छूट जाएगा, 2 मिनट नहीं 30 सेकेंड लगभग, 30 से 40 सेकेंड शायद रुका था। अब देखिए ट्रेन छूट गया है, काफ़ी स्पीड से जा रहा था, हम लोग गंगा के नीचे पहुंच गए हैं, जब तक ये नीला लाइट जल रहा है तब तक गंगा के नीचे है हम लोग, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम लोग गंगा के नीचे में था। अभी देखिए गंगा के नीचे से हम लोग नेक्स्ट स्टॉप में आ गए हैं। ठीक है, आप लोग भी कभी जाइएगा तो इस तरह से है, ट्रेन में चढ़िएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। भीड़ बहुत